तो यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर देखते हैं ऑन वायलेंस, यानी कि वायलेंस पर है चैप्टर, यानी कि हिंसा पर है चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक महान डील है किसकी, वायलेंस की, या संसार में बहुत ज्यादा हिंसा है, संसार में बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज ए फिजिकल वायलेंस, यानी यहाँ पर शारीरिक हिंसा है, एंड और आल्सो इनवर्ड वायलेंस, और यहाँ पर आंतरिक हिंसा भी है, यानी कि शारीरिक हिंसा भी है और आंतरिक हिंसा भी है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनादर, जो शारीरिक हिंसा है वो क्या है, दूसरे को मार डालना, टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे को चोट पहुंचाना, दूसरे को मार डालना, दूसरे को चोट पहुंचाना, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, कॉन्शियसली होता है जानबूझकर जो चोट पहुंचाई जाती है उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है कि दूसरे को जानबूझकर चोट पहुंचाना। फिर है डेलीबरेटली, डेलीबरेटली जो वर्ड है यहाँ पर ये किस लिए यूज किया गया है, डेलीबरेटली जो होता है जानबूझकर, जैसे टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, किस तरीके से दूसरे लोगों को चोट पहुंचाते हैं, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली होती है जब हमें खूब पता होता है किसी काम के बारे में, खूब अच्छी तरीके से पता होता है, पूरी चेतना के साथ में हमें पता होता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके लिए यूज किया गया है कि हम जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं, डेलीबरेटली होता है जानबूझकर चोट पहुंचाना। एंड विदाउट थॉट, यानी बिना सोचे समझे, एंड से क्रूल थिंग्स, और अगर हम क्या कहते हैं, निर्दयतापूर्ण बातें करते हैं, क्रूल थिंग्स होता है निर्दयतापूर्ण बातें करना जिसमें दया कोई नहीं की कोई चीज नहीं हो, फुल ऑफ एंटेगोनिज्म, एंटेगोनिज्म होता है शत्रुता, यानी कि हम किसी से क्या करते हैं, शत्रुता करते हैं, एंड हेट और नफरत करते हैं, शत्रुता करते हैं, नफरत करते हैं, एंड इनवर्डली और आंतरिक रूप से, इनसाइड द स्किन होता है यहाँ पर हृदय से, इनसाइड द स्किन मतलब हृदय से या दिल से, टू डिसलाइक पीपल लोगों को पसंद नहीं करते हैं, टू हेट पीपल लोगों से नफरत करते हैं, टू क्रिटिसाइज पीपल, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, लोगों की आलोचना करते हैं, इनवर्डली यानी आंतरिक रूप से। झगड़ते रहते हैं, वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग यानी झगड़ते रहते हैं, बैटलिंग युद्ध करते रहते हैं, नॉट ओनली विथ अदर, और लोगों से भी, हम बाकी लोगों से युद्ध नहीं करते हैं यहाँ पर, खुद से भी युद्ध करते हैं, बट विथ दी आवर सेल्फ, लेकिन जो हम अपने साथ में युद्ध करते हैं और दूसरों के साथ में युद्ध कर सकते हैं, नॉट ओनली विथ अदर यानी कि केवल दूसरों के साथ में युद्ध नहीं करते हैं, बट विथ आवर सेल्फ यानी हम खुद से भी झगड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि क्या दिया हुआ है, फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनादर, यानी शारीरिक जो हिंसा है वो क्या है, दूसरे व्यक्ति को मारना, हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली डेलिबरेटली एंड विदाउट थॉट, यानी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर अथवा सोच समझकर, अथवा हम कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे चोट पहुंचाना, विदाउट थॉट, से क्रूल थिंग्स यानी यहाँ पर निर्दयतापूर्ण बातें करना, है यहाँ पर कि शत्रुतापूर्ण बातें करते हैं, शत्रुतापूर्ण बातें करना, निर्दयतापूर्ण बातें करना, ये क्या सभी क्या है, शारीरिक हिंसा है, और आंतरिक हिंसा क्या है, आंतरिक हिंसा है इनसाइड द स्किन, यानी कि हम कह सकते हैं आंतरिक हिंसा में आ जाती है क्या आ जाती है, हृदय से लोगों को नापसंद करना, हृदय से लोगों को पसंद नहीं करना, टू डिसलाइक पीपल यानी इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल का मतलब है हृदय से लोगों को पसंद नहीं करना, टू हेट पीपल लोगों से घृणा करना, टू क्रिटिसाइज पीपल की आलोचना करना, इनवर्डली ये आंतरिक हिंसा है, वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग यानी हम कह सकते हैं कि अंदर से हम, इनवर्डली मतलब होता है अंदर से,
अंदर से वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, यानी अंदर से हम हमेशा झगड़ते रहते हैं। बैटल नॉट ओनली विथ अदर, यानी कि हम अंदर से केवल हम दूसरों व्यक्तियों से नहीं झगड़ते हैं बल्कि बट विथ आवर सेल्फ, यानी कि बट विथ आवर सेल्फ का मतलब हम स्वयं से भी झगड़ते हैं, सिर्फ दूसरे से नहीं झगड़ते हैं, हम यहाँ पर स्वयं से भी झगड़ते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फोर्स देम, हम उनको फोर्स करते हैं या बाध्य करते हैं। क्या बाध्य करते हैं? टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, यानी हम उनको बाध्य करते हैं कि वो हमारे तरीके से सोचे, हम उनको इस तरीके से करना चाहते हैं ताकि वो हमारी विचारधारा है उसके अनुसार काम करें। हम अपनी विचारधारा है लोगों पर थोपना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में। वी ग्रो अप, यानी संसार में हम बड़े होते हैं। वी ग्रो अप यानी बड़े होते हैं। वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, यानी हम क्या देखते हैं? मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर बहुत अधिक हिंसा हम देखते हैं। ग्रेट डील ऑफ वायलेंस एट ऑल लेवल ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस, यानी मानव अस्तित्व के जितने भी क्षेत्र हैं, मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर बहुत अधिक हिंसा हम देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वार, यानी हम कह सकते हैं कि जो अंतिम युद्ध है, अंतिम जो हिंसा है वो क्या है? युद्ध। द किलिंग फॉर आइडियाज, जो कि विचारधाराओं के लिए किया जाता है, किलिंग फॉर आइडिया विचारधाराओं को मारने के लिए किया जाता है। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी हम कह सकते हैं विचारधाराओं के लिए जो क्या कहा जाता है? तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए लड़ा जाता है। रिलीजियस प्रिंसिपल यानी धार्मिक जो नियम कायदे होते हैं उनके लिए लड़ा जाता है। फॉर नेशनलिटीज यानी राष्ट्रीयता के लिए लड़ा जाता है। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, यानी भूमि के एक छोटे से टुकड़े को अपने पास रखने के लिए लोगों की हत्या की जाती है। टू डू दैट मैन विल किल, यानी ये सब करने के लिए लोग मारे जाते हैं। डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। टू डू दैट द मैन विल किल, यानी ये सब करने के लिए मनुष्य है मारेगा, मनुष्य हत्या करेगा। डिस्ट्रॉय घायल होगा। मैम एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, मैम एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, मैम मतलब होता है बुरी तरह घायल होना, मैम यहाँ पर होगा बुरी तरह घायल होना। एंड आल्सो किल्ड हिमसेल्फ यानी कि वो खुद को भी मार सकता है, इन सभी चीजों में पढ़ करके वो खुद को भी मार सकता है। नेक्स्ट टाइम देखें, या खुद भी वो इन सब चीजों से मारा जा सकता है। देयर इज ए इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी हम कह सकते हैं कि संसार में बहुत अधिक हिंसा है। वी रीच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं कि क्या हो, गरीब आदमी को गरीब ही बनाए रखा जाए। एंड पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब लोग हैं अमीर बनना चाहते हैं। इन दी प्रोसेस हेटिंग दी रिच, और इस सोच में वो क्या करते हैं? अमीर लोगों से नफरत करते हैं। एंड यू, और आप भी, बींग कॉट इन सोसाइटी, और आप भी यहाँ पर क्या होते हैं? समाज में अपना योगदान देते हैं। बींग कॉट इन सोसाइटी आर आल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, और आप भी इस सोसाइटी में, इस समाज में इसको क्या करते हैं? इसमें अपना योगदान देते हैं। जैसे हम देखें, देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी यहाँ पर हिंसा है। कहाँ पर? पति पत्नी के बीच में हिंसा है, बच्चों के बीच में हिंसा है। देयर इज वायलेंस यानी कि यहाँ पर हिंसा है। एंटागोनिज्म यानी कि शत्रुता है। हेट यानी घृणा है। क्यूरल्टी, क्यूरल्टी होता है निर्दयता है, दया नहीं है। अगली क्रिटिसिज्म, अगली क्रिटिसिज्म हम लोगों की आलोचना करते हैं, भद्दी आलोचना यहाँ पर करते हैं लोगों की, यानी भद्दी आलोचना है। एंड एंगर यानी क्रोध है। ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, यानी कि ये सभी हैं मनुष्य के इनहेरेंट, यानी मनुष्य के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है कि अभिन्न अंग, ये मनुष्य के माने जाते हैं। इनहेरेंट इन मैन यानी मनुष्य में ही माने जाते हैं अभिन्न अंग। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग यानी ये अभिन्न अंग है, ये अभिन्न अंग है, प्रत्येक मनुष्य के अभिन्न अंग है। इन इट इज इनहेरेंट इन यू यानी कि ये तुम्हारे अभिन्न अंग है। इट इज इनहेरेंट इन यू यानी कि तुम्हारे अंदर भी ये
और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा तुमको इन चीज़ों से दूर रखने में सहायता करती है, सपोज टू हेल्प यू टू बियॉन्ड ऑल दैट, यानी इन सबसे दूर रखने में सहायता करती है। आपकी कौन करती है? शिक्षा करती है। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब, यानी जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसका मतलब क्या है? शिक्षा केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं है। नॉट मेयरली टू पास एग्जामिनेशन गेट ए जॉब, यानी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम पास हो जाओ एग्जाम को और जॉब लग जाओ या जॉब प्राप्त कर लो। यू हैव टू बी एजुकेटेड, अगर तुम शिक्षित हो, सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, तुम इसलिए शिक्षित हो, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा ताकि तुम वास्तव में सुंदर हो सको, रियली ब्यूटीफुल, वास्तव में सुंदर हो सको, हेल्दी यानी कि स्वस्थ हो सको, स्वस्थ सैन, सैन मतलब होता है मस्तिष्क, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए किया गया है, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी सैन यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क। नेशनल ह्यूमन का मतलब है विवेकशील व्यक्ति बनो, नॉट ए ब्रूटल मैन, यानी एक विवेकशील व्यक्ति बनना है ना कि एक पासिविक, ब्रूटल मतलब होता है पासिविक मैन, बहुत चालाक है, हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी, जो कि आर्ग्यू देता है, यानी चालाक आपको क्या करना है ना कि एक पासिविक व्यक्ति बनना है, बहुत चालाक व्यक्ति जो तर्क कर सके और अपनी पासिकता को सही सिद्ध कर सके, डिफेंड हिज ब्रूटलिटी यानी अपनी जो पासिकता है उसको सही सिद्ध बता सके। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एट यू ग्रो अप, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे तुम जो जो बड़े होगे इन सब हिंसाओं का तुम सामना करोगे। यू विल फॉरगेट, यानी तुम भूल जाओगे ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर हियर हियर, यानी जो यहाँ पर तुमने सुना है वो सब तुम भूल जाओगे। विल वी कैच इन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और जो तुमने यहाँ पर पढ़ी है उन सब चीज़ों को भूल जाओगे और तुम समाज की सामान्य धारा में फंस जाओगे। यू विल बी कैच इन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की जो धारा है उसमें फंस जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ क्रूअल, रेस्ट ऑफ द क्रूअल यानी कि आप भी उन बाकी जो लोग निर्दयी हैं उनके जैसे हो जाओगे। क्रूअल हार्ड बिटर एंग्री वॉयलेंट एंड वर्ड एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, और यहाँ पर तुम एक नया समाज और नया संसार नहीं बना पाओगे। एंड न्यू वर्ल्ड यानी नया संसार तुम नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन नया संसार है वो कंपलसरी है, नेसेसरी है, आवश्यक है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति यहाँ पर जरूरी है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, यानी जो पुरानी संस्कृति है वो मृत हो चुकी है। वर्न यानी जल चुकी है। एक्सप्लोडेड यानी उसको दफना दिया गया है। वेपोराइज्ड, वेपोराइज्ड मतलब कि उसको वाष्प बनाकर उड़ा दिया गया है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, तो यहाँ पर तुमको एक नई संस्कृति उत्पन्न करनी है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, यानी तुम्हें यहाँ पर नई संस्कृति को उत्पन्न करना है, ये नई संस्कृति के बारे में बताना है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वॉयलेंस, जो नई संस्कृति होगी वो हिंसा पर बेस्ड नहीं होगी, हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू, नई संस्कृति तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वॉयलेंस, यानी जो पुरानी पीढ़ी है उसने हिंसा पर आधारित और हिंसा पर आधारित वॉयलेंस यानी हिंसा पर आधारित जो पुरानी पीढ़ी है उसने हिंसा पर आधारित आक्रामकता पर आधारित समाज का निर्माण किया है। वॉयलेंस बेस्ड ऑन एग्रीगेशन एग्रेसिवनेस होता है आक्रामकता। एंड इट इज दी दैट हैज क्यूज्ड ऑल दी कंफ्यूजन, और यहाँ पर जो पुरानी पीढ़ी है उसने हिंसा पर आधारित आक्रामकता पर आधारित समाज का निर्माण किया है। एंड हम कह सकते हैं And that has caused all the confusion. और यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर अनिश्चितता है और कष्ट उत्पन्न हुए हैं। All the miseries, यानी कि अनिश्चितता, मिश्रीज होता है confusion, दुख, यही कारण है कि यहाँ पर दुख उत्पन्न हुए हैं। The older generation have produced this world, यानी हम कह सकते हैं कि जो पुरानी पीढ़ियों ने इस संसार को बनाया है। And you have to change it, और तुम्हें इसे बदलना है। You cannot just sit back and say, और तुम यहाँ पर केवल बैठे नहीं रह सकते।
ये निष्क्रिय नहीं रह सकते और ये नहीं कह सकते हो आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन, यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं शेष आदमियों का अनुसरण करूँगा और सफलता और पद को प्राप्त करूँगा। सीक सक्सेस एंड पोजिशन यानी सफलता और पोजिशन प्राप्त करूँगा। इफ यू डू यानी यदि तुम ऐसा करते हो, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, तो तुम्हारे बच्चे हैं यहाँ पर कष्ट झेलेंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम, तुम्हारा समय अच्छा हो सकता है, बट परंतु योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चे हैं वो इसके लिए या इसका फल तुम्हारे बच्चों को भुगतना होगा। सो यू अकाउंट, इसलिए तुमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। द आउटवर्ड्स क्यूरिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ईश्वर के नाम पर, ये यहाँ पर क्या होता है, मैन और मैश्वर के नाम पर, नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म के नाम पर लड़ता है। द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस यानी आत्मभेद के नाम पर लड़ता है। द नेम ऑफ सिक्योरिटी और की सुरक्षा के बारे में लड़ता है। यू विल हैव कंसिडर द आउटवर्ड क्यूरिटी एंड वायलेंस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यू will have to consider, यानी तुम्हें यहाँ पर consider करना होगा, क्या consider करना होगा, outward cruelty and violence, यानी जो बाहरी cruelty है और violence है उसको consider करना होगा। तो तुमको बाहरी निर्दयता हिंसा और आंतरिक हिंसा है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते हो उस पर ध्यान देना होगा। And inward violence which you do not yet follow, तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं you will have to consider the outward cruelty, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा। यू हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्यूरिटी यानी जो बाहरी निर्दयता है उसका यहाँ पर ध्यान रखना होगा। मनुष्य ही मनुष्य के प्रति बाहरी निर्दयी नहीं हो सकते, नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू टू हैव येट नो, और जो यहाँ पर आंतरिक हिंसा है, आंतरिक हिंसा जिसे तुम अभी तक नहीं समझ जानते हो उस पर ध्यान रखना होगा। You are still young, अभी तुम जवान हो, तुम अभी जवान हो, you are still young, but as you ever grow older, you will realize how inwardly man goes through hell, यानी कि अभी तुम युवा हो लेकिन जब तुम बड़े होगे तो तुम महसूस करोगे, you will realize यानी तुम महसूस करोगे, क्या करोगे कि मनुष्य inwardly man goes through hell, यानी मनुष्य आंतरिक रूप से किस प्रकार नरक में गुजरता है। थ्रू ग्रेट मिस्ट्री एंड बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंट मेटल, और एक किस प्रकार कष्टों से गुजरता है क्योंकि वह लगातार बैटल करता है विथ हिमसेल्फ यानी खुद से, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी से, विथ हिज चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों से, एंड विथ हिज नेबर यानी कि उनके पड़ोसियों से, विथ द गॉड यानी भगवान से। ही इज सोरो एंड कन्फ्यूज, देयर इज नो लव, नो काइंडनेस एंड नो जेनरोसिटी एंड नो चैरिटी, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं वह दुख और अनिश्चितता से घिरा रहता है, इसलिए उसके पास प्रेम नहीं है, दयालुता नहीं है, उदारता नहीं है, दान नहीं है। देयर इज नो लव, कोई प्यार नहीं है, कोई काइंडनेस दयालुता नहीं है, कोई जेनरोसिटी, जेनरोसिटी होता है यहाँ पर उदारता की बात कर रहे हैं, जेनरोसिटी एंड नो चैरिटी, और यहाँ पर कोई भी दान नहीं है। एंड ए पर्सन मे हैव PhD आफ्टर हिज नेम, एक आदमी है जिसके PhD लगा हुआ है किसके नाम के आगे, उसने PhD की डिग्री ले रखी है, और ही मे बिकम ए बिजनेसमैन विथ हाउस, और क्या होता है PhD डिग्री ले रखी है अथवा वह एक व्यापारी हो सकता है जिसके पास अनेक मकान, हाउसेज एंड कार, बट इफ ही हैज टू नो लव, लेकिन अगर उसके पास प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, अगर उसके पास प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, काइंडनेस यानी दयालुता नहीं है, कंसिडरेशन का मतलब है विचार नहीं है, ही इज रियली वर्स देन द एनिमल, तो वो जानवर से भी अधिक खराब है। बिकॉज ही कंट्रीब्यूट टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्क्रिप्टिव, तो क्योंकि वह एक ऐसे संसार में योगदान देता है जो कि विनाशकारी है।
सो विल यू आर रंग यंग, क्या तुम जवान हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, इसलिए जब तुम युवा हो तुम्हें ये सारी बातें जाननी चाहिए, यू हैव टू बी फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सब बातों से स्पष्ट देखनी चाहिए, यू हैव टू एक्सपोज टू ऑल थिंग्स सो दैट योअर माइंड बिगेन टू थिंक, तो यानी कि यहाँ तुम्हें तुम्हारा दिमाग सोचना आरंभ कर देना हो चाहिए, यानी आरंभ कर देना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा दिमाग आरंभ कर देना चाहिए, वरना तुम भी संसार की बात ही हो जाओगे, बिगेन टू थिंक, अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी तुम भी अलग संसार की बात ही हो जाओगे, एंड विदाउट लव, और बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, यानी बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी एंड जीनियोसिटी, यानी बिना दान और उदारता के, जीनियोसिटी होता है उदारता, लाइफ बिकम टेरिबल बिजनेस, तो यहाँ पर जीवन है भयानक चीज हो गया है, दैट्स वाई वन हैज टू टुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस, यही कारण है कि हिंसा की समस्त समस्याओं पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज रियली इग्नोरेंट, यानी हिंसा को नहीं समझना वास्तव में एक अज्ञानता है, और बिना बुद्धि के और बिना संस्कृति के होना, यहाँ पर जीवन बड़ी चीज है, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस एंड इग्नोरेंस इट इज विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, यानी कि बिना बुद्धि के और बिना संस्कृति के, लाइफ इज पुट ए लिटिल हॉल ऑफ वन सेल्फ एंड फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी, यानी हम कह सकते हैं कि बिना बुद्धि और बिना संस्कृति के होना जीवन में बहुत बड़ी चीज है, इसमें केवल अपने लिए एक छोटा छेद बनाता है, कार्व आउट ए लिटिल हॉल, यानी अपने लिए छोटा छेद बनाता है, एंड वन सेल्फ रिमेन दैट लिटिल हॉल्स, और वो अपने एक छोटी जगह पर रहता है, फिगरिंग ऑफ एवरीबॉडी, यानी हम कह सकते हैं कि ये तुम पर निर्भर करता है, एवरीबॉडी इज नॉट टू लिव, यानी रहना चाहिए, इट इज सेट अप टू यू, तो ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि ये सब आपके लिए है, इट इज सेट अप टू यू, फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और अभी से तुम्हें इन सभी बातों के बारे में जानना चाहिए, सोचना चाहिए, यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, यानी तुम डेलिबरेटली गए हो कहाँ पर, गो अवे द वायलेंस, यानी वायलेंस से दूर, और स्टैंड अप अगेंस्ट फैमिली, और परिवार के साथ में खड़े हुए हो, बी फ्री, यानी कि हम फ्री हैं, लाइव बी फ्री का मतलब होता है इस, क्या है, स्वतंत्र रहो, लाइव हैप्पी यानी प्रसन्न रहो, यहाँ पर है जॉयसली, जॉयसली मतलब खुशी से रहो, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, यानी कि जब जीवन का अर्थ समझ नहीं होगा, टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, यानी हम कह सकते हैं कि जब तक हम जैसे लिव हैप्पी जॉयसली विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट, यानी कि बिना किसी नफरत के, देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी भी इनके आगे कुछ चीजों के विषय में जानना पड़ेगा, देन द लाइफ इज मीनिंग, लाइफ हैज मीनिंग, तो तब यहाँ पर लाइफ का कुछ अर्थ आएगा, फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी, यानी कि अच्छे आनंद के साथ और क्लियरिटी के साथ में उसका रिजल्ट आएगा, व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, यानी कि स्वतंत्र रहो, प्रसन्नता से रहो, खुशी से रहो, ये बातें आती हैं यहाँ पर, व्हेन यू वॉक अप इन दिस मॉर्निंग, यानी कि इस सुबह जब तुम जागे, डिड यू नो लुक आउट द विंडो, तो क्या तुमने यहाँ पर लुक आउट द विंडो यानी खिड़की पर देखा है, यू हैव बीन दोज हिल्स बिकम सैफ्रॉन एज द सन रोज अगेंस्ट द लिली ब्लू स्काई, यानी प्रसन्न रहो, खुशी रहो, शत्रु के भाव के बगैर रहो, बिना किसी घृणा के साथ में रहो, और जीवन कुछ विभिन्न प्रकार के हो जाएगा, तब जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन खुशी और स्पष्टता भरपूर देता है, जीवन है खुशी और स्पष्टता भरपूर देगा।
नेक्स्ट हम बात करें, एंड द बर्ड्स बिगन टू सिंग एंड क्लियरली मॉर्निंग कुकू कूड कूड। तो यहाँ पर पक्षी सुनाना पसंद करते हैं गाना, और ईयरली मॉर्निंग में कुकू कूड होता है, होर करते हैं। देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, यानी हम कह सकते हैं कि जब तुम सुबह जागे, या जब आज सुबह तुम जागे, क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा, तुमने देखा कि यहाँ पर सूर्य नीले आकाश में उदय हो रहा है और वे पहाड़ियां हैं। ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड एंड सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉयलनेस, यानी कि यहाँ पर ग्रेट महान जो ब्यूटी है उसके बारे में बताया गया, नो और लॉयलनेस होता है यहाँ पर असाधारण के बारे में बताया गया, लॉयलनेस। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर एक के बारे में सब कुछ नहीं जानता है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, बट ओनली इफ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ही इसके प्रति जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, तुम इससे तभी अवेयर हो सकते हो जब तुम्हारा माइंड और जो हृदय है दोनों ओपन हो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, यानी कि जब तुम नहीं झगड़ते हो, वहन यू लॉन्गर वॉयलेंट, जब तुम यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्राइटेंड का मतलब हो गया डरे हुए, जब तुम डरते नहीं हो तो यू आर नो लॉन्गर वॉयलेंट, तो तुम हिंसा नहीं करोगे। देयर इज ए जॉय, यानी कि यहाँ पर क्या है, जॉय है, आनंद है। देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, ब्लिस होता है पूर्ण प्रसन्नता, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस यानी पूर्ण प्रसन्नता हो रही है। ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, यानी बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट इन ह्यूमन काइंड, तो यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं और मनुष्य के मस्तिष्क में यह स्थिति लाना शिक्षा का ही हिस्सा है। अबाउट द ऑथर हम पढ़ें और अबाउट द टेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर क्या दे रखा है, जे के कृष्णमूर्ति इज रेपुटेटेड राइटर एंड एजुकेशनिस्ट, यानी कि जो जे के कृष्णमूर्ति है एक सम्मानित लेखक हैं और शिक्षाविद भी हैं। लाइक वी ट्रेड रेसल, हिम माइंड वाज फुली ऑफ रिवोल्यूशनरी, यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड रेसल है उसकी तरह उनका मस्तिष्क भी पुराने ढंग के विश्व की बदलने की क्रांतिकारी विचारों से पनपूट था। देयर इज ए टिंग ऑफ एथिकल वैल्यू ऑफ द इन द राइटिंग, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें लेखन के नैतिक मूल्यों का समावेश है। टिंग ऑफ एथिकल वैल्यू इन राइटिंग, इस लेखन में नैतिक मूल्यों का समावेशन है। हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल, यानी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो याद करने लायक है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशन विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप ए जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिन्हें हम इस तरह विकसित किया गया है। हिज कंट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ एजुकेशन रिमार्केबल, यानी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थानों को कार्य किए कर रहे हैं जिन्हें इन तरह के विकसित किया गया है कि मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षाविदों को नई नई पीढ़ी यहाँ पर निर्मित की जाए। अबाउट द कंटेंट, टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर ऑफ वॉयलेंस विच इज ए मैटर ऑफ ग्लोबल रीजन। देयर इज ए नीड टू डेवलप ए न्यू कल्चर इन्फ्लुएंस ऑफ द लिबर्टी एंड पेशेंस एंड जेनरसली एंड एजुकेशन कैन बी गुड ट्यूब टू कर्व वॉयलेंस। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।